एंडी छोरो गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम नाना की राम राम हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई आज हम तुमने दिखाओगे एक ऐसी ऐतिहासिक चीज जो जिसकी उम्र लमसम एक अनुमान के अनुसार 700-750 साल के करीब है। और फिलहाल हम पहुंचे हैं खेड़ी गुजर गांव में, जो कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और यहाँ पे आज हम आपको एक पेड़ दिखाने जा रहे हैं। ये देखो भाई, ये पेड़ है जालगा। इस पेड़ को जालगा पेड़ बोलते हैं। ये जालगा वृक्ष है और ये यहाँ अकेला पेड़ नहीं है, खेड़ी गुजर में ये हजारों की तादाद में पेड़ जो है यहाँ दिखाई देंगे आप लोगों को। एक बार कैमरामैन से कहूंगा उधर भी कैमरा घुमा के दिखा दे। ये देखो आप सामने भी देख सकते हैं, ये जितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये जाल के हैं। ये सामने जो है आपको दिखाई दे रहा है ये पेड़ भी जाल का है और ये कम से कम भी 800-850-700 साल पुराने पेड़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेड़ जो है ये जाल का पेड़ है और इसकी उम्र 800 साल के करीब है, अनुमानित है, ज्यादा भी हो सकती है। और हरियाणा में सिर्फ खेड़ी गुजर गांव में ही ये जाल के इतने वृक्ष पाए जाते हैं। ये राजे महाराजाओं के टाइम से जो पेड़ हैं ये है, इन्होंने कई शताब्दियों का इनका जीवन चक्र रहा है और आज भी ये पेड़ जो है हरे भरे और तंदुरुस्त खड़े हैं। इन पर हमारे जो दादा थे वो भी बताते थे भाई जाल पर एक फल लगता है, उसका नाम होता है पील। तो इसके ऊपर लाल लाल पील लगती थी, वो पील को जो है खाया जाता है, वो बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है। लेकिन ये अब हरियाणा में विलुप्त प्राय हो चुके हैं, लेकिन खेड़ी गुजर गांव में आपको इतने ज्यादा तादाद में जाल के वृक्ष दिखाई देंगे कि वो शायद कहीं और दिखाई ना दें। एक बार कैमरामैन से कहूंगा उधर भी दिखा भाई। ये देखो, ये भी जाल का वृक्ष है, वो भी जाल का वृक्ष है और ये सामने भी जाल का वृक्ष है और अनगिनत पेड़ आपको वहां भी दिखाएंगे हम जाते समय। तो एक बार यहाँ जो बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं उनसे थोड़ा इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार मेरे साथ साथ आ जा। तो ये देख सकते हैं आप कितने जो पुराने पेड़ हैं, इनके इस तने से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। जो ये तना है ये खोखले हो चुके हैं और इससे इनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हो कि ये 800 से 1000 साल पुराने वृक्ष हो सकते हैं। ये आप ध्यान से देखो, कैमरामैन से कहूंगा भाई एक बार प्रॉपर तरीके से दिखाओ कि ये देखो कितने जो है बुजुर्ग पेड़, कितने उम्र दराज पेड़ जो है ये जाल गए हैं। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई मेरे साथ साथ आ जा। तो भाई यहाँ हमारे जो है बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं जो वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पशु भी ले के आ रहे हैं और यहाँ बैठकर अपना टाइम पास कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं। तो राम राम ताऊ। तो कैमरामैन से कहूंगा भाई उधर से दिखा दे एक बार सभी को। तो ताऊ ये जो जाल के पेड़ हैं इनकी कितनी अनुमानित कितनी उम्र हो सकती है? भाई इनकी तो कोई म्याद ही नहीं है जी, कोई म्याद नहीं इनकी तो। मायदा मोड़ो डोली हमने तो ऐसे कैसे देखे हैं। हमारे बड़े बड़े बनू का हमने भी ऐसे ही देखे। अच्छा हाँ, बहुत पुराना सौदा आई तो इनका तो फड़ा करता ही फड़ाना बंद हो रहा। अच्छा, वो पील बोलते थे जो पील लगा। हाँ जी हाँ जी, इनका दुनिया आ गई यार, क्या सारे जंगल में मानस मानस आ गया था। मतलब इनका बुढ़ा कोई भी खदवाई थी। अच्छा, उनने मतलब वो मतलब पानी पहनता फिर करता। अच्छा, इतना भगवान आदमी था बेचारा। तो मतलब ये बहुत ही मतलब कम से कम होंगे 700-800 साल पुराने। खूब तो इन्होंने तो कई शताब्दियां देख ली पेड़ो ने तो। हाँ, तो इनका कुछ इतिहास था वो दास के था और जैसा कुछ करते अपना कर लो। अच्छा हाँ, और मायर इतिहास था मतलब आपके दादा परदादा की उम्र से ये ऐसे ही है। ऐसे ही है, इससे ज्यादा थी तो सिद्धि होगी। हाँ, तो हाथ का हाथ मार के बंदा लूटे थे ना, तो आदमी पास आया। अच्छा, तुम्हारे पास डकैत रहते थे यहाँ, पशु खोल खोल कर यहाँ बांधते थे, कुछ पुलिस भी टोस होती इधर भाई जाए। शुक्र देख भी घूम जाए।
तो ताश खेल रहे हो घर तक टाइम पास करना बस 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 ताश खेल ले अपना टाइम पास कर ले अपना बैठ कर। अच्छा अपने डांगर भी यहीं जा रहे हो? हाँ पूरी आ रहे रोड आई ऊपर भरते हैं पानी पानी पी के अपना चले जाए 2 बजे से काम में ना। ठीक है बढ़िया। तो भाई ये देखा आपने ये हमारे ताऊ थे जो बेचारे अपने पशु यहाँ ले आते हैं यहाँ इनके पेड़ों के नीचे बांध देते हैं जोड़ में नहला लेते हैं और यहाँ अपना टाइम पास जो है कर लेते हैं। तो एक बार कैमरामैन से कहूँगा भाई इधर आ जाओ आप। ये जो वृक्ष हैं वृक्ष जाल के तो इन जाल के वृक्षों का बहुत ही पुराना इतिहास हो रहा है और भाई इन पर फल अभी ताऊ ने बताया कि इन पर अब तो फल नहीं आता लेकिन पहले जो है बढ़िया पील जो है इन पर लगा करें थी और मतलब गुआंड भी आकर तोड़ के ले जा करें थे गांव गुआंड आने के तोड़ के ले जा कर था और सब मजे तक खाया करें थे। तो भाई देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में जो है जाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कैमरा मैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखा दे। ये देखो कितने जाल के वृक्ष जो यहाँ पे हैं। ये जाल एक ऐतिहासिक वृक्ष एक ऐतिहासिक पेड़ जो है ये जाल का है। ये देखो कितनी तादाद में यहाँ जाल के वृक्ष हैं। आप जिधर देखोगे उधर जाल ही जाल नजर आएंगे आपको। ये देखो ये जाल के वृक्ष हैं और बहुत ही पुराने जो ये वृक्ष हैं भाई। ऐसे ऐसे पेड़ों को सरकार को भी चाहिए कि वो इनका संरक्षण करे। ये ऐतिहासिक चीज़ें हैं इनको बचा के रखना चाहिए इनको संजो के रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किसी भी पेड़ को आप जाल के पेड़ को किसी भी वृक्ष को आप देख सकते हैं कोई भी वृक्ष 100-200 साल पुराना नहीं बल्कि 800-850 साल 750 साल पुराना वृक्ष है। आप देख सकते हैं कि इनकी हालत देखो आप इनकी कितनी जर्जर हालत हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी ये जाल के वृक्ष जो है एकदम तंदुरुस्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये देखो कितना पुराना वृक्ष है कितने पुराने वृक्ष जो है जाल के दिखाई देंगे आपको यहाँ पे। तो ग्राम पंचायत और सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि भाई जो हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं ऐतिहासिक धरोहर है उनको बचाने का प्रयास करें। अभी इनको संरक्षण की आवश्यकता है। तो आप सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि इन चीज़ों को संरक्षण प्रदान किया जाए। मैं सुनील गौतम कैमरामैन अनिल के साथ एनडी छोरा गौतम धन्यवाद।